नमस्कार, स्वागत है आपका जनयाम न्यूज में। मैं हूँ रोहित। फागुन का महीना जैसे ही शुरू हुआ, लोगों में अलग ही माहौल देखने को मिलता है, चाहे वो मथुरा के काशी में हो, चाहे वो राजस्थान के बाबा खाटू श्याम मंदिर में हो। और राजस्थान के तमाम बड़े मंदिरों में है फागुन उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें बाबा खाटू श्याम की, तो बाबा खाटू श्याम का मेला 11 मार्च से 22 मार्च के बीच भरा जाएगा। इस मेले में विशेष तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर और मेला मजिस्ट्रेट के बीच बैठक का आयोजन किया गया। अगर हम बात करें बाबा खाटू श्याम की, तो बाबा खाटू श्याम का जो मेला है बड़े स्तर पर भरा जाता है, जिसमें राजस्थान से लेकर यूपी बिहार जैसे तमाम बड़े राज्यों से और विदेशों से भी जो है लोग बाबा खाटू श्याम के मेले में बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने आते हैं। लेकिन इस बार दर्शन करना बड़ा ही आसान हो गया है और मेले में भी जो है बड़ी सुविधाएं इस बार देखने को मिलेगी और कई सुविधाएं जो है इस बार देखने को भी नहीं मिलेगी। देखिए इस रिपोर्ट में कि आखिर मेले में क्या क्या आयोजन होंगे और क्या क्या आयोजन नहीं होंगे और किस सुविधा से जो है भक्तों को वंचित रहना पड़ सकता है। सबसे पहले पार्किंग की, जो बाबा खाटू श्याम के मेले में पार्किंग की जो सुविधा है 52 बीघा में रखी गई है, जो सरकारी गाड़ियों सहित आम लोगों के लिए उसी में ही पार्किंग रखी गई है। क्योंकि बाबा खाटू श्याम के मेले में पार्किंग की सुविधा को लेकर बड़ी ही परेशानी देखने को मिलती है। दूसरी बात कि जो भंडारा है, जो भंडारे का आयोजन भी उन्हीं को दिया जाएगा, यानी कि उन्हीं को करना पड़ेगा। जो भंडारा के जो सैंपल है वो पहले दिखाने पड़ेंगे, वो सैंपल जांच में जो रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर ही भंडारे का आयोजन किया जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो बाबा खाटू श्याम के जो निशान है वो 8 फीट से जो बड़ा होगा उस पूरी तरीके से बैन किया जाएगा। इस बार चिकित्सा की भी जो है बड़े स्तर पर सुविधा रखी गई है, क्योंकि मेले में जो भक्त आएंगे उनके लिए चिकित्सा की जो सुविधा है रखी गई है। साथ ही राजस्थान में इस बार जो बाबा खाटू श्याम जी के मेले पर है उस पर जो है विशेष ध्यान रखा जाएगा, ताकि भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए जनयाम न्यूज़।